19 सितंबर को गणेश चतुर्थी। जानिए भगवान गणेश जी के जन्म की पौराणिक कथा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी के सिद्ध विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी बताई जाती है। गणेश जी की जन्म कथा गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार, एक बार माता पार्वती ने सन्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी मां नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए, मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहां से चलूंगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया पर वे नहीं मानी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथिनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।